हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। वेलकम बैक इन चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन में मैं वही करती हूँ कि पूरे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.2 में आपको क्या चीज करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैं इंट्रोडक्शन में वो उसे पूरा करती हूँ, और एक्सरसाइज वाइज जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो काफी फास्ट जाती हूँ, राइट। तो आप इंट्रोडक्शन जरूर देखा करिए मेरा। ओके फाइन, क्या है इसमें, क्या करना पड़ेगा हमें? सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना होता है, हमें अब सोल्यूशन निकालना है। अब हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारा बस इक्वेशन बना के हम छोड़ देते थे, है ना। अब इसका सोल्यूशन बनाना है। हमने चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स में भी पढ़ा है कि अगर डिग्री जितनी है, हाईएस्ट डिग्री जितनी है, उतने उसके जीरोस होते हैं। हमने सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा है, राइट। जीरोस है मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, आंसर्स भी बोलते हैं, लाइक आप जिस नाम से उसे बोलो वो बोल लेते हैं। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। क्या लिखा है, 2x² - 5x + 3 = 0। ये इक्वेशन है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन हो वो इस टर्म के हिसाब से स्प्लिट हो पाए। हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और ऐसे स्प्लिट करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म उनका प्रोडक्ट हो। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ प्रोडक्ट हो, तो 2x² * 3 कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। अब मैं -5x को कुछ ऐसा लिखूं कि उनको जिस चीज में मैं स्प्लिट करूंगी उनका प्रोडक्ट भी हमें क्या मिले, 6x² मिले। ओके, तो -5 को मैं क्या लिख सकती हूँ कि मुझे पहले तो कोएफिशिएंट 6 मिल जाए, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ 2 और 3, 5 हो जाता है। -5 लाना है इसलिए -5 लिख सकती हूँ, और -2x और -3x लिखूंगी तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 3 6, -5 का प्लस, और x * x कितना हो जाएगा, x² सेम मिल जाएगा मेरे को, राइट। इसके इक्वल मिल जाएगा। मैंने क्या बताया कि इन दोनों का जो भी टर्म आएगा उसको हमें ऐसे लिखना है, -5x को हमें ऐसे लिखना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन हमें सेम मिल जाए। तो हमें इसका मल्टीप्लीकेशन क्या मिला था, 6x², तो अब मैंने -5x को कुछ ऐसा स्प्लिट किया है कि उनका भी मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या मिल रहा है, +6x² मिल रहा है, राइट। एक बार और इसी चीज को समझ के देखते हैं, अच्छे से लिख के देखते हैं। ओके, तो चलिए फिर से लिखती हूँ मैं इसे। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ, -2x - +2x² - 5x + 3 = 0। ओके, अब यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे इसे स्प्लिट करना है ऐसे कि इनका जो कोएफिशिएंट है और x² का जो कोएफिशिएंट है वो, और जो कांस्टेंट है उनके बीच का मल्टीप्लीकेशन हो। ओके, तो अब अगर मैंने इसे -2x लिखा और -3x लिखा है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, +6x², जो कि मेरे को चाहिए था, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना था, 2x² * 3 कितना हो जाता, 6x², और यहाँ पे भी 6x², तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन इनका स्प्लिट ऐसा हो कि ये भी आए हमारा प्लस माइनस करने से। अब -2x - 3x अगर मैं लिख रही हूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ -5x, राइट। तो वही -5x को हमने क्या किया है, सोचना पड़ेगा आपको कि आप कैसे स्प्लिट करें। ओके, तो ये अगर मैं स्प्लिट करूँ तो अब इसके बाद आंसर्स लिखना स्टार्ट करती हूँ मैं कि कैसे लिखते हैं हम इसके आंसर्स। ओके, तो क्या है ये, 2x² - 5x + 3 = 0। 2x² - 5x को हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं -2x - 3x + 3 = 0। अब अगर मैं यहाँ इस टर्म को देखूं तो यहाँ से कॉमन क्या क्या निकल रहा है, 2x निकल रहा है, बचेगा क्या यहाँ पे, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्लियर। अब अगर मैं इन दोनों टर्म को देखूं तो इधर से कॉमन क्या निकल रहा है, इधर से कॉमन निकल रहा है 3, बचेगा कितना, +3 निकालूं या -3 निकालूं, ये हमारे ऊपर। -3 अगर मैं निकालती हूँ तो क्या होगा, x बचेगा, और इधर कितना जाएगा, -1 = 0। अब अगर मैं ये पूरा एंटायर टर्म देखूं तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x - 1 कॉमन है, यहाँ पे भी x - 1 है, x - 1 है, तो वो कॉमन निकालिए तो अंदर कितना बच जाएगा, 2x - 3 बच जाएगा = 0। तो हमारे पास अब ये ऐसा फॉर्म आ गया। अब हम क्या करें,
पहले किसी एक टर्म को जीरो बना देते हैं, इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो अपॉन टू एक्स माइनस थ्री। अब किसी के भी अपॉन में अगर जीरो होता है तो उसका आंसर भी क्या होता है जीरो, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास वन आ गया। ये एक आया जब मैंने इस टर्म को जीरो की तरफ भेजा था। अब अगर मैं बोलूं आपको आप इस टर्म को भेजिए तो क्या लिख लूं मैं, एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब मैं इस टर्म को इसके नीचे भेज रही हूँ जीरो के, ओके तो क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो अपॉन एक्स माइनस वन। ये टर्म भी कितना हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू ये प्लस थ्री माइनस थ्री इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस थ्री, तो एक्स कितना मिल जाएगा मेरे को थ्री अपॉन टू। क्लियर है, तो एक्स की वैल्यू एक मेरे को क्या मिल गई प्लस वन और एक क्या मिल गई थ्री अपॉन टू। मैंने क्या बताया था कि अगर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री टू है तो हमें कितनी वैल्यूज मिलेगी, दो वैल्यूज मिलेगी, हमें दो वैल्यूज मिल गई एक थ्री अपॉन टू और एक क्या मिल गई हमें वन। ये हमारे आंसर्स हुए। फैक्टराइजेशन के बेसिस पे हमने रूट्स निकाल लिया, रूट्स ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ये दोनों हमारे रूट्स हैं। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन क्या है हमारे पास सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ओके मैंने अब भी आपको क्या बताया था कि हमें इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना होता है, तो ये कितना हो जाएगा सिक्स टू ज ट्वेल्व। ओके और हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जो भी स्प्लिट करेंगे हम उनके बीच का भी मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिले 12 मिले, राइट right? तो हम क्या करेंगे 12 को पहले फैक्टराइज करना स्टार्ट कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो फैक्टराइज करने के बाद 12 हमें मिला क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 मिला। अब हमें क्या चाहिए 12 तो मिल गया था हमें, है ना। अब हमें इन तीनों का यूज करके हमें क्या करना है, इन तीनों का यूज करके हमें करना है स्प्लिट, ताकि इन तीनों का यूज करके हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है राइट, यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है 1, तो हमें 1 भी मिले और फिर हम मल्टीप्लीकेशन में भी करेक्ट हो, मल्टीप्लीकेशन में भी 12 आए, मल्टीप्लीकेशन में 12 आए हमारे पास, और अगर हम इसको स्प्लिट करने के बाद प्लस या माइनस कर रहे हैं तो हमें 1 भी मिले, क्योंकि हमारा मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। ओके तो अगर मैं इन दोनों को कैरी करूँ तो ये क्या होगा 6 और ये क्या होगा 2, अगर मैं प्लस करूं तो कितना मिलेगा 8 और अगर मैं माइनस करूं तो कितना मिलेगा 4, तो हमें चाहिए कितना लेकिन 1, तो ये दोनों तो फॉलो नहीं कर रहा, मतलब 2 और 6 हम नहीं ले सकते, है ना। अब मैं इन दोनों को अगर ले लूं तो 2 2 जा 4 एंड 3, अब अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो क्या मिलेगा 7 और अगर माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा 1, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, 1 चाहिए तो फॉलो कर रहा है क्या 4 और 3, लेकिन प्लस के साथ नहीं, किसके साथ माइनस के साथ, है ना। तो हमें तो ये मिल गया या एक तो 4x होगा और एक क्या होगा 3x होगा। क्लियर है, ये मिल गया हमें स्प्लिट करने के लिए चीजें मिल गई, तो अब हम उसको अपने अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस साइन दे सकते हैं। ओके तो लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस 3x, हमको माइनस का भी साइन देखना पड़ेगा ना, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब ऐसे कैसे लिखे, हमने 3 और 4 तो कंसिडर कर लिया, लेकिन हम किसके सामने में प्लस लगाएंगे किसके सामने में माइनस लगाएंगे ये कैसे हम कंसिडर करें, हमको लाना क्या है माइनस एक्स लाना है, तो इन दोनों का जो भी आएगा आंसर वो क्या आना चाहिए हमारे पास माइनस एक्स, क्योंकि हम माइनस एक्स को ही क्या किए हैं स्प्लिट किए हैं राइट, तो ये माइनस एक्स आना चाहिए हमारे पास, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसको 4 को हम माइनस वाला साइन दे रहे हैं, क्योंकि 4 क्या है बड़ा है 3 से, और हम हमेशा कैरी किसका साइन करते हैं कैपिटल वाले का साइन कैरी करते हैं राइट, तो ये हो गया हमारा स्प्लिट। अब अगर मैं इन दोनों में से देख लूं कि कॉमन क्या है, तो मैं क्या कॉमन ले लूं 3x कॉमन ले लूं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 2 6 तो 2x प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ पे मैं माइनस माइनस 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इनमें से 2x प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, है ना, और बच क्या जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब फिर वही करते हैं हम एक टर्म को 0 के पास लेके जाते हैं, तो हम दो वैल्यूज हमें मिल जाएगी, तो चलिए कर लेते हैं हम जल्दी से इसे भी। तो अगर मैं 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 अपॉन 3x माइनस 2 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, सो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, एक x की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब वैसे ही मैंने इसको जीरो के नीचे किया था, अब इसको जीरो के नीचे कर देते हैं। ओके तो क्या लिखूं मैं 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2x प्लस 1,
तो ये टर्म तो जीरो ही हो जाना है, तो क्या लिख लो, 3x - 2 = 0, 3x = 2, सो x = 2/3। ओके, हमें दो वैल्यू मिल गई, आंसर्स मिल गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो हमें आंसर कितने मिलेंगे, दो ही मिलने वाले थे, राइट? तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, एक क्या मिला हमें -1/2, एक क्या मिला हमें 2/3। ओके, एक मिला हमें 2/3, दीज आर द रूट्स, दिस इज द आंसर, क्लियर है गाइस? ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.2 के इंट्रोडक्शन में, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे डायरेक्टली। ओके, तो क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। ये रूट वुड भी दिख जाए ना तो टेंशन नहीं लेना ज्यादा। ओके, तो हम अब क्या कर लेते हैं, इसे स्प्लिट करेंगे। हमें पता है कि हमें क्या स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को, और किसके अकॉर्डिंगली स्प्लिट करना है, ये 3 और 2 के अकॉर्डिंगली। तो 3 × 2 कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया, और ये क्या है, 2√6 है। तो हमें ऐसा कुछ करना है, 6 को स्प्लिट करना है, 2 3s and 3 1s, तो हमारे पास 2 और 3 तो आ रहा है, तो 2 और 3 करने से तो 5 होता है। अगर मैं 2 और 3 में स्प्लिट करती तो ये 6 तो मिल जाता हमें, है ना, लेकिन ये बीच वाला टर्म तो स्प्लिट ही नहीं हो रहा है ना बॉस, वो तो सिर्फ 6 है नहीं ना, वो तो 2√6 है। वॉट इफ अगर मैं इसे -√6 और -√6x लिख दूं, तो भी तो हो जाएगा ना, -2√6x हो जाएगा। तो √6 × √6 कितना हो जाएगा, हमको पता है कि किसी भी रूट रूट वाले को सेम वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आंसर में मिलती है। √2 × √2 अगर करते तो 2 मिलता, √3 × √3 अगर हम करते तो 3 मिलता, √x × √x करते तो हमें क्या मिलता, x मिलता, हमें पता है। वैसे ही √6 × √6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये 2 3 का तो कुछ कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, √6 लेना पड़ेगा। तो हम रीराइट कर लेते हैं इक्वेशन, 3x² - 2√6x + 2 = 0। ओके, इसे मैं रीराइट कर लूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ -√6x - √6x, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तभी ये -2√6x मिल जाता, +2 = 0। क्लियर है इतना? अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम, अब इसको स्प्लिट तो कर दिया हमने, लेकिन अब कॉमन कैसे निकाले, है ना? तो अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, 3 = this 2 = this, और √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं। तो ये हम क्या मिल जाएगा, हमें √3 × √2 ये मिलके हमको क्या मिलेगा, √6 मिलेगा। ओके, तो चलो हम पहले लिख लेते हैं इसे वैसे ही जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 3 को क्या लिख लें, √3 × √3x². ओके, √6 को क्या लिख लिया, √3 × √2, इंटू का साइन नहीं डाल रहे हो आप, समझ जाइएगा। ओके, √2x - √3 × √2x + √2 × √2 = 0। ओके, इतना हो गया। अब कॉमन देख लो, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से √3x कॉमन निकल रहा है, क्लियर है, √3x कॉमन निकलेगा, और बचेगा क्या यहाँ पे, √3x, और यहाँ पे क्या बचेगा, -√2 बच जाएगा। ये √3 और ये x निकल गया तो √2 बच जाएगा, ये √3 और x निकल गया तो एक x यहाँ का और एक √3 यहाँ का। ओके, अब मैं इन दोनों को देख लूं अगर, तो क्या कॉमन निकलेगा, -√2 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, √3x, माइनस माइनस प्लस हुआ था तो -√2 = 0 निकल गया हमारा कॉमन। अब निकल गया तो अब ये दोनों टर्म देखो सेम है, तो इन दोनों को भी कॉमन निकालते हैं, √3x - √2 कॉमन निकल गया, बच क्या गया, √3x - √2 बच गया, = 0। सेम है ये, तो सेम है तो कोई बात नहीं, हमको दो वैल्यूज चाहिए x की तो दोनों वैल्यूज मिलेगी। अगर मैं इसको 0 पे डाल दूं तो क्या मिलेगा, √3x - √2 = 0, √3x = √2, तो x कितना मिल जाएगा मेरे को, √2/3, दिस इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। ओके, ये कितना मिल गया मेरे को, ये एक x का वैल्यू मिल गया। अब इसी के बेसिस पे मैं ये वाले को अगर नीचे डाल दूं 0 के, तो ये वाला नीचे चला गया, अब ये वाला बच जाएगा, तो ये कितना होगा, √3x - √2 = 0, √3x = √2, एंड x = what 2/3। सेम आंसर है, सेम ये वैल्यूज है तो हमें आंसर भी तो सेम ही मिलेगा ना बॉस, है ना? तो चलो ये हमें आंसर मिल गया है, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, जो कि क्या आई है, √2/3 आई है, क्लियर है? यही हमारा आंसर है, और दो वैल्यूज है तो इसे ही बस हम दो बार लिख लेंगे, दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, क्लियर है?
गाइज हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट को एंड करते हैं और हम मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के लिए. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. स्टूडेंट, सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज, अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.